टीम इंडिया के साथ ऑस्ट्रेलिया में एक बार फिर से हुई बेईमानी। मैं आपको बताता हूं इस बेईमानी की सारी सच्चाई और पूरी कहानी। जी हां, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो टेस्ट मैच चल रहा है एडिलेड के ओवल में, जो पिंक बॉल टेस्ट मैच चल रहा है, इसमें टीम इंडिया के साथ बेईमानी हुई है। सोचिए, अभी पिछले टेस्ट मैच में जो केएल राहुल वाला आउट वाला विवाद था, वो भी थमा भी नहीं था कि एक और ऐसा विवाद हो गया है। तब अंपायर ने केएल राहुल को आउट दे दिया था, लेकिन जब अब की बार बारी ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज की आई तो अंपायर ने उसको नॉट आउट दे दिया। तो लोगों ने कहा ये दोहरा चरित्र क्यों, इंडिया वाला है तो आउट, ऑस्ट्रेलिया वाला है तो नॉट आउट। तो मैं आपको दरअसल पूरी कहानी समझाता हूं हुआ क्या था। दरअसल जब ऑस्ट्रेलिया की पारी का 58वां ओवर चल रहा था, तब रविचंद्रन अश्विन की गेंद मिचेल मार्श के पैड पर लगती है। रविचंद्रन अश्विन और पूरी टीम जबरदस्त अपील करती है और उसके बाद फील्ड अंपायर उसको नॉट आउट दे देते हैं। कप्तान रोहित शर्मा को लगता है कि भाई ये तो आउट है, तो डीआरएस लिया जाता है। इसके बाद जो कुछ थर्ड अंपायर ने किया उसने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने पैड पर लगती गेंद को नजरअंदाज किया और बिना झिझक के मार्श को नॉट आउट दे दिया, बल्कि साफ दिख रहा था कि बॉल पहले पैड को लग रही है, उसके बाद बैट को लग रही है। यह न केवल फैंस के लिए हैरान करने वाला रहा, बल्कि कमेंटेटर्स के बीच भी इससे लेकर लगातार चर्चा चलती रही। ये 58वें ओवर की तीसरी गेंद थी। हवा में थोड़ा सा उछाल लेती हुई, थोड़ा घूमती हुई मिचेल मार्श के पास पहुंचती है। मार्श पूरी तरह अश्विन की गेंद पर गच्चा खा जाते हैं। गेंद पैड पर लगती है, टीम इंडिया अपील करती है और उसके बाद फील्ड अंपायर उस अपील को खारिज कर देते हैं। डीआरएस के बाद थर्ड अंपायर ने वीडियो रिव्यू में जो ये बताया कि भाई उनके पास कोई ऐसा एंगल नहीं है जिससे पता चल पाए कि बॉल जो है पहले पैड को लगी है या बैट को लगी है। तो वो कहते हैं कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है, इस वजह से मैं इसको नॉट आउट दे रहा हूं। तो लोग कहते हैं अच्छा भाई, आप नॉट आउट दे रहे हैं तो जो केएल राहुल वाला था उसको आउट क्यों दे दिया? केएल राहुल जब पिछले मैच में स्टार्क की बॉल पर बैटिंग कर रहे थे, बॉल उनके बिल्कुल बल्ले के पास से निकलती है, उसको अंपायर आउट दे देते हैं। बल्कि क्लियर कंक्लूसिव एविडेंस तो वहां पे भी नहीं था, वहां पे भी बैट और पैड साथ में था। आवाज दो स्पाइक आए थे, जैसे यहां पे दो स्पाइक आए वैसे ही वहां पे भी आए थे दो स्पाइक, यानी कि दो चीजों की आवाज आई है। बैट हो सकता है पैड को लगा हो, उसकी आवाज आए, लेकिन वहां अंपायर को लगा कि नहीं, बॉल तो सीधा बल्ले पर ही लगी है, केएल राहुल आउट है। तो भाई आंखें तो आपकी यहां पे भी तो खुली हुई थी ना, यहां पर आपको कैसे लग गया कि कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है? अगर यहां नहीं था तो वहां भी नहीं था भाई। अगर यहां नहीं था आपके पास कोई कंक्लूसिव एविडेंस तो वो आपके पास तो वहां पे भी नहीं था, तो आपने वहां केएल राहुल को आउट क्यों दे दिया और यहां मिचेल मार्श को नॉट आउट क्यों दे दिया? दरअसल ये ऑस्ट्रेलिया में हमेशा होता है, इंडिया जब भी जाती है, स्टीव बकनर साहब के जमाने से इंडिया के साथ मुंह पर बेईमानी होती है। इंडिया टीम सीधी साधी टीम है, बहुत ज़्यादा बवाल मचाती नहीं है, इसलिए उसके साथ ऐसा होता भी है। अब आप खुद ही देख लीजिए, केएल राहुल आउट और वैसा ही एक अपील, ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाज था तो नॉट आउट। अभी मैं गारंटी दे रहा हूँ, यही कोई इंडियन बल्लेबाज होता तो भाई साहब अंपायर और आगे जाते कि हाँ बॉल तो पैड को लग रही है, पहले विकेट को लग रही है, बॉल विकेट को लग रही थी, आउट होते मिचेल मार्श, आउट होते होते हुए भी उनको बचा लिया गया, नॉट आउट दे दिया गया और हमारे केएल राहुल को आउट दे दिया गया था। तो ये बेईमानी क्यों और ये लगातार टीम इंडिया के साथ ही क्यों हो रहा है? ऑस्ट्रेलिया जाती है इंडिया तो बिना बेईमानी के मैच क्यों नहीं हो पाता है, मैं ये जानना चाहता हूं सिर्फ। ऐसे में आप बताइए आपको क्या लगता है, मिचेल मार्श आउट थे या नॉट आउट थे, इंडिया के साथ बेईमानी हुई है या नहीं हुई है? जो भी आपकी राय हो कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।